कहता हूं और गंडा पर दो नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। मुक्का मारा, घसीटा गया मुझे। देखें आज हमें यहां पे पीडीएम के और ये लगा, अगर ये टोटल किया जाए तो तकरीबन दो मैंने बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूं इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। देखें अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन दो साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया? हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का ना। इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। क्या इस चीज का कभी ये इतराफ करेंगे? आप तो करेंगे लेकिन आपके और बहुत सारे साथी भी तो हैं ना। बात सुने, रॉन्ग जो है वो गलती जो है वो गलती है। मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं और बार बार मैंने गौर साहब को भी कल भी कहा कि प्लीज जरूर इत्तेजाज करें लेकिन जरा पिछले चार साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। जरूर दें जी, जरूर दें, हक है उनका, बिल्कुल दो दें उनको। मैं बिल्कुल कोई इसमें कोई खुदा खुदा नखास्ता। मैं इसी हाउस में जब 14 से लेके 13 से लेके 18 तक जो है हमारी हुकूमत थी, इसके प्रेमिसेस पे हम कब्जा रहा। जो शख्स जो है बाद में सदर बना इनका, उसने बकायदा उसकी टेलीफोन कॉल जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, उसने टीवी की बिल्डिंग जलाई, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा हुआ। क्या हमने कोई ऐसी बात की है? चार साल, साढ़े चार साल इनकी हुकूमत रही है, अपने माजी के ऊपर थोड़ी देर के लिए तो नजर दौड़ाएं कि इनका माजी रहा क्या है, इन्होंने अपनी हुक्मरानी में क्या किया है, या जब ये अपोजिशन में थे उस वक्त क्या किया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर हमने नई रवायात को जन्म देना है तो कम से कम माजी की जो गलतियां उस पर पशमानी का तो इजहार करना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, पशमानी का तो इजहार करना चाहिए कि इन लोगों ने ज्यादतियां की हुई हैं। आप देखें वजीर आजम, इस वक्त का जो वजीर आजम है, पिछली डेढ़ साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? यह तो जाति दुश्मनी है, ये दुश्मनियों के बीज बोए। कल देखें और फिर ये देखें कि यहां पे बड़े बड़े मेरे दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता रहा हूं, करता रहूंगा। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी वो बेईमान है, उनका तल्लक है उनसे, मैं गिला जो है फ्लोर पे कर रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, वो उनको मैंने कल उनसे गिला किया है। जनाब आला, आज एजेंसियों की बात हो रही है, जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहां पे कोसार में आए एसआई वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जरूरत करते, यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। असद कैसर साहब के घर मीटिंगें होती थी, मैं उन अफसरों के नाम भी बता सकता हूं जो हमारी मीटिंग हो रही थी और बाहर वाले कमरे में बैठे होते थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। सर ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी सियासत से खत्म होनी चाहिए, अगर हुई हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई इजहार अफसोस करना चाहिए। अगर अगर ये जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है, वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है
उसका इजहार जरूर होना चाहिए। आप आखिरी रात जो थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, इसी जनाबे डिप्टी स्पीकर आपकी सीट के उपचे 20 मिनट के अंदर 52 बिल पास हुए, कोई याद है किसी को? और उसके बाद असेंबली डिसॉल्व की गई, याद है किसी को? और अब जो है कानून और कायदा जो है सिखाया जा रहा है, ये बातें जो हैं एक अच्छे स्टार्ट की नहीं है। अगर आपने तलखी कम करनी है, आपने ये एक्रिमिनी कम करनी है सियासत के अंदर, तो उसके तरीके भी जो है ना वो हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करें। कल किसी ने कहा कि ईवान कमजोर था जब हम हुक्मरानी यानी पीटीआई हुक्मरानी करते, ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था ताकि आपका इख्तदार कायम रहे। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक राइट वन राइट। मैं कुछ थोड़ा जवाब देना चाहता था, जरा कंट्रोल कर लेता हूँ। नमाज का टाइम होने वाला है ख्वाजा साहब। जनाबे आला, या जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें, बिल्कुल आपका हक है, जरूर दें जवाब, दें जरूर जवाब दें। मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें जो यहां पे हुआ है, और अगर हमसे कोई गलती हुई है बताएं कि पिछले 1.5 साल में या इसमें क्या क्या आपको क्या विक्टिमाइजेशन हुई है, जो परसों वाकया हुआ है हमने उस पर माजरत कर ली। उस वाकये की कोई कैटेगरी, कोई हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई हमें डिली डेली नहीं किया, कोई ड्रैग नहीं किया। स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इधर से कमेटी की डिमांड आई, और जो एक्सेस है आपको स्पीकर साहब के पास, हमें तो एक्सेस नहीं थी। ख्वाजा साहब अब जो आप चाहते हैं, ऑनरेबल मेम्बरान रह गए हैं वो फिर कल 3 बजे इजलास होने को है, तो वो उसमें उनको सबको मौका मिलेगा। आप वाइंड अप करें प्लीज कि हम जुम्मे की नमाज में शरीक हो सकें। मैं 10 सेकंड 20 सेकंड में वाइंड अप करता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ, लेकिन मैं जो है, जरा मौका दें, आप तो मुझसे अलहदगी में भी बात कर सकते हैं, आपका तो मेरा तल्लुक है, मैं तल्लुक को रिकॉग्नाइज करता हूँ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपसे बातें करने का तरह ताजा हो जाता है बंदा। जी वाइंड अप करें प्लीज। मैं मेरी दरखास्त है आपकी वसादत से, यहां बैठे हुए दोस्तों से भी दरखास्त है कि प्लीज, मैं दरखास्त करता हूं कि जो 4 साल में जो कुछ अपोजिशन के साथ हुआ है, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके भतीजे भी कैद थे, साद रफीक कैद था, उसके भाई भी कैद थे, शाहिद अब्बासी कैद था, एक आदमी हमारी लीडरशिप में से जो कोई बचा नहीं था, जो कैद नहीं था। क्या कोई इस किस्म की बातें रिपीट हुई हैं? जिस तरह हमने तासुफ किया इनके साथ जो है खड़े हो गए कंधे से कंधा मिला के, क्या इनमें इतनी जरूरत है? कहता हूं, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता।